अफमन ज़ुय्यिना लहू सूए अमलिही फराउ हसना। ज़रा गौर करो, कोई शख्स ऐसा है, भला वो शख्स के जिसको उसकी बुराई ही मुज़य्यन कर दी गई है। वो जो आज का हमारा मामला बेहयाई कल्चर के नाम पर है, ये तो बड़ी आला शहर है, आला कदर है, कल्चर सकाफती ताइफा आ रहा है, कल्चरल ट्रूप आ रहा है। अब ये बेहयाई और गंदगी जो है उसको अच्छे अच्छे नाम देकर, जिस तरीके से कि आज दुनिया के अंदर उनका चर्चा किया गया है, अंतशी अल्फाहिशा, वो फोर्स जिस तरीके से फैल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और टेलीविजन ने आकर, एंटीना ने आकर, तो वाकया ये है कि अब कोई घर नहीं कि जो उस बला को, इस मुसीबत से जो महफूज रह गया हो। तो फरमाया कि वो लोग, भला वो शख्स, अफमन ज़ुय्यिना लहू सूउ अमलिही, उसके अमल की बुराई ही उसके लिए मुज़य्यन कर दी गई है, फराउ हसना, वो उसे अच्छा देख रहा है, उसको अच्छा समझ रहा है, उस पर फख्र भी कर रहा है। आपके इल्म में होगा न्यूडिस्ट सोसाइटीज भी हैं अमेरिका में, वो लोग हैं मादर दाद बढ़ाना मर्दर औरतें एक मजलिस के अंदर, और वो समझते हैं कि लिबास लिबास जो तकल्लुफ है, काम का क्या जरूरत है। होमोसेक्सुअल्स, और वो इतने एरोगेंट हैं, इतने एग्रेसिव हैं, वो बाकायदा मुजाहरे करते हैं, और उन लोगों के खिलाफ जो इसको बुरा समझते हैं उसके खिलाफ मैदान में आकर खुद कर ढंके की चोट सीना तान कर, बल्कि ये कि उनको कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं है कि होमोसेक्सुअलिटी, लेकिन ये कि आप, अब वहां पर खुल्ला खुल्ला कोई औरत कहेगी मैं लेस्बियन हूं, साफ कहेगी उसे, कोई इसमें झिझक नहीं। दो औरतें हैं कि जो अपनी शहवत का तकाजा जो आपस में पूरा कर रही हैं, दो मर्द हैं जो शहवत का तकाजे अपने आपस में, और होमोसेक्सुअल्स और लेस्बियंस, ये उनके यहां कोई शय अब जो है बुरी नहीं है कि जिस पर किसी को निगाह नीची करने की कोई जरूरत महसूस हो, इसलिए कि वो उनके यहां अब एक चीज है, रिकग्नाइज्ड है, मुसल्लम है, मानी हुई है।